नमस्कार आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है मैं हूं प्रदीप सिंह कई मामलों में चेंज विथ कंटिन्यूटी बड़ा अच्छा होता है लेकिन कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जिसमें चेंज विथ कंटिन्यूटी जो है वो कई बुराइयों को कई रोगों को जन्म देता है आपको याद होगा अपनी आज़ादी का दिवस पंद्रह अगस्त उन्नीस उस दिन भारत आज़ाद हुआ लेकिन लॉर्ड माउंट भारत के गवर्नर जनरल बने रहे तो वो चेंज विथ कंटिन्यूटी था मेरे हिसाब से और उसने तमाम बुराइयों को जन्म दिया क्योंकि लॉर्ड माउंट बैटन भारत की संस्कृति के कोई प्रतीक थे नहीं भारत की संस्कृति के प्रति उनका कोई न लगाव था न झुकाव था तो जाहिर है कि जो कुछ वो विरासत में छोड़कर जाना चाहते थे वो अंग्रेजों का दिया हुआ शासन ही छोड़कर जाना चाहते थे ये जो कॉलोनियल लिगेसी थी उसको उन्होंने जाते जाते पक्का किया तो इस तरह का चेंज बड़ा खतरनाक होता है अब वहां से सीधे आते हैं हम हरियाणा में हरियाणा में भी एक चेंज हुआ है मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे अभी कुछ दिन पहले तक अब उनको हटा दिया गया लेकिन मनोहर लाल खट्टर का मामला भी जो है चेंज विथ कंटिन्यूटी नजर आ रहा है मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री हैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी ताकत वैसे ही बनी हुई है सवाल यह है कि उनको हटाया क्यों गया है संगठन से नीचे से लेकर ऊपर तक शीर्ष नेतृत्व तो तक जब इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाए रखने से पार्टी का नुकसान होगा लोकसभा चुनाव में तो होगा ही थोड़ा बहुत लेकिन विधानसभा चुनाव में ज़्यादा होगा तो दोनों से एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर था एंटी इनकम्बेंसी का जो झटका था जो, जो नुकसान होने वाला था उसको ख़त्म करने के लिए मनोहर लाल खट्टर को पद से हटाया गया लेकिन पद से तो हट गए वो लेकिन वो ताकत से अपने प्रभाव से नहीं हटे ये भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगा साबित हो सकता है लोकसभा चुनाव में उसका ज़्यादा असर शायद न पड़े क्योंकि लोकसभा चुनाव में वोट पड़ेगा प्रधानमंत्री के नाम पर वहाँ मनोहर लाल खट्टर या कोई और जो है वो फैक्टर नहीं है लेकिन विधानसभा चुनाव में ज़रूर होगा क्योंकि परिवर्तन आपने किया है तो लोगों को परिवर्तन दिखाई भी देना चाहिए जिसे मुख्यमंत्री बनाया नायब सिंह सैनी उसके बारे में पहले से ही धारणा थी कि वो मनोहर लाल खट्टर का खास आदमी उनका करीबी व्यक्ति है तो एक शुरुआत जो है वो इस धारणा के साथ हुई कि मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी अलग अलग नहीं है ये संदेश अच्छा नहीं है लेकिन ऐसा संदेश गया इसको तोड़ने की कोशिश नहीं हुई ये मेरे लिए जो है ज़्यादा चिंता की बात कि इस धारणा को बदलने की इस धारणा को तोड़ने के लिए ज़रूरी था कि मनोहर लाल खट्टर के जितने फुटप्रिंट हैं हरियाणा सरकार में वो सब मिटा दिए जाते और नए फुटप्रिंट जो नए लोग आए हैं उनके दिखाई देते पर ऐसा हो नहीं रहा है अब जो प्रदेश अध्यक्ष बनाने की कोशिश हो रही है वो भी मनोहर लाल खट्टर के करीबी को बनाने की कोशिश हो रही है कहा यह जा रहा है कि संजय भाटिया को हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है तो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष अगर दोनों मनोहर लाल खट्टर के करीबी और खास लोग होने जा रहे हैं तो फिर परिवर्तन किस बात का और किस काम का ये परिवर्तन जो है ये ऐसा लगता है कि बेमन से किया गया है हटाना चाहते नहीं थे लेकिन राजनीतिक मजबूरी थी इसलिए मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया लेकिन उनका प्रभाव बनाए रखना है आप देखिए जिस तरह से पिछले कुछ दिन में जब से मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री के पद से हटे हैं सरकार जैसे काम कर रही है जिस तरह की खबरें आ रही हैं जिस तरह से पूरा का पूरा स्टाफ मनोहर लाल खट्टर का नए मुख्यमंत्री के साथ बना हुआ है जिस तरह से कोई परिवर्तन करने की कोशिश या छवि बदलने की कोशिश नहीं हो रही है इस बात की कोई कोशिश नहीं हो रही है कि अब हरियाणा सरकार से मनोहर लाल खट्टर का वैसा नाता नहीं रह गया जैसा मुख्यमंत्री रहते हुए था अगर ये परिवर्तन नहीं हो रहा है इस तरह का बदलाव इस तरह का परसेप्शन बदलने की कोशिश नहीं हो रही है तो बदलाव का कोई फायदा नहीं होने वाला है अभी दो दिन पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सरकारी आवास पर मिले सवाल ये है कि अगर पार्टी मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला दोनों से छुटकारा चाहती थी ये छुटकारा पाने के बाद भी उनसे ये जुड़ाव क्यों ये इस तरह का संदेश क्यों कि वो अब भी उतना ही प्रभावी बने हुए हैं बल्कि अब तो ज़्यादा प्रभावी नज़र आ रहे हैं जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनका प्रभाव तो समझ में आता है कि मुख्यमंत्री जो है उसका प्रभाव है ये अच्छी बात है लेकिन जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया है मैं जोर देकर इस बात पर कह रहा हूँ जो मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया है जिसको प्रदेश की राजनीति से हटा दिया गया है उनको लोकसभा चुनाव लड़ाने का फैसला हुआ है करनाल से तो इसलिए उनको न केवल सरकार से बल्कि प्रदेश की राजनीति से भी अलग कर दिया है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने लेकिन वही शीर्ष नेतृत्व अगर ये संदेश दे रहा है कि हरियाणा मतलब मनोहर लाल खट्टर तो इसका मतलब हुआ कि कोई बदलाव नहीं हुआ ये कोढ़ में खाद जैसी स्थिति है कि जो पहले स्थिति थी मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे तो उनकी जवाबदेही थी अब वो मुख्यमंत्री नहीं हैं लेकिन उनका प्रभाव मुख्यमंत्री पर प्रदेश अध्यक्ष पर पूरी सरकार पर अगर पहले जैसा है तो इसका मतलब है कि कोई परिवर्तन हुआ नहीं है जो हुआ है उसका कोई अर्थ नहीं है उसका कोई फायदा नहीं है उससे कोई संदेश नहीं जाने वाला जो संदेश देने की कोशिश पार्टी हाईकमान कर रहा था कि वो जन भावना का सम्मान करते हुए मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटा रहा है वो ऐसा लगता है कि जनभावना का सम्मान महज एक दिखावा था दरअसल मनोहर लाल खट्टर को उतना ही प्रभावी बल्कि उससे ज्यादा प्रभावी बनाकर रखने की हरियाणा में कोशिश हो रही है तो हरियाणा की राजनीति में ये विचित्र सी स्थिति देखने को मिल रही है दुष्यंत चौटाला जिनसे पार्टी छुटकारा चाहती थी अब दुष्यंत चौटाला के मनोहर लाल खट्टर के साथ नायब सिंह सैनी के घर पर मिलने का संदेश ये जाएगा जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है उस आरोप को बल मिलेगा कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि ये जो है नूरा कुश्ती है मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला या उनकी जजपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कि चुनाव से पहले अलग हो जाओ अलग होकर जाट वोटों का बंटवारा करो उससे कांग्रेस का नुकसान करो और उसके बाद चुनाव के बाद फिर मिल जाएंगे तो क्या ऐसा होने वाला है पता नहीं मुझे ऐसा होगा ऐसा मुझे लगता नहीं मतलब ये मेरी धारणा है मेरी कोई जानकारी नहीं है लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा संदेश देने की कोशिश क्यों हो रही है प्रश्न इस बात का है कि बार बार इस तरह की कोशिश क्यों हो रही है अभी तो बदलाव हुए जुमा जुमा चार दिन हुए उसमें भी बदलाव का कोई संकेत नहीं जा रहा है नायब सिंह सैनी जब तक अपने को असर्ट नहीं करेंगे जब तक अपने को मनोहर लाल खट्टर से अलग नहीं दिखाएंगे तब तक इस परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होगा उनको बताना होगा कि अब निजाम बदल चुका है निजाम बदलने का संदेश उसकी शुरुआत होती है मुख्यमंत्री कार्यालय में जो स्टाफ है उसके बदलाव से उसके परिवर्तन से वो नहीं हुआ अब दूसरी जो उसकी परीक्षा होती है वो फैसलों से अभी फैसलों से परीक्षा होना बाकी है आने वाले कुछ दिनों में ज़्यादा समय की बात नहीं है अब नायब सिंह सैनी के पास ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि आज ही दोपहर में चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा करने वाला है और लोकसभा की तिथियों की घोषणा एक बार होने के बाद पूरा देश जो है चुनावी मोड में चला जाएगा ऐसे में मुख्यमंत्री के पास सरकार के पास या सरकारों के पास कह लीजिए किसी भी मुख्यमंत्री के पास काम करके दिखाने के लिए कुछ नहीं होता है जो कुछ होता है वो पॉलिटिकल मैसेजिंग होता है तो जो पॉलिटिकल मैसेजिंग हरियाणा से भाजपा देने की कोशिश कर रही है या जो जा रहा है भले ही कोशिश न कर रही हो जो जा रहा है वो भाजपा के या पार्टी के हित में तो नहीं है वो विपक्ष के आरोप को एक तरह से सही साबित करने की दिशा में जा रहा है तो अगर इस धारणा को बदलना है इस धारणा को तोड़ना है भारतीय जनता पार्टी को तो मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा की सरकार से और हरियाणा की जो राजनीति है उससे कम से कम फिलहाल दूर रखना होगा उन उनको कहना होगा कि आप अपने चुनाव क्षेत्र पर कंसंट्रेट कीजिए लोकसभा चुनाव पर ध्यान दीजिए लोकसभा चुनाव जीतने की कोशिश कीजिए इसके अलावा इस समय आपका और कोई टास्क नहीं है ये जब तक स्पष्ट निर्देश नहीं होगा और नायब सिंह सैनी को यह निर्देश नहीं होगा ये उनको संदेश नहीं दिया जाएगा कि आपको मनोहर लाल खट्टर का पिछलग्गू बनकर नहीं दिखाना है आपको अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करनी है आपको बताना है कि आप स्थितियों के कंट्रोल में है नियंत्रण में है ये नहीं दिखाना है कि आप मनोहर लाल खट्टर के नियंत्रण में काम कर रहे हैं जब तक ये बदलाव नहीं होगा तब तक जो बदलाव हुआ है उसका कोई विशेष असर नहीं पड़ने वाला है तो हरियाणा में जो मुख्यमंत्री और सरकार का बदलाव हुआ उसके बाद उस राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होगा अभी तक ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं अब निर्भर करता है कि दुष्यंत चौटाला का अगला कदम क्या होगा वो किस तरह के बयान देते हैं अगर वो ऐसे बयान देते हैं जिनसे संकेत मिलता है कि भले ही सरकार से अलग हो गए हों लेकिन भाजपा से उनका नाता टूटा नहीं है तो उनके अलग होने का जो राजनीतिक फायदा भाजपा को मिल सकता था वो नहीं मिलने वाला वो फायदा जो है कांग्रेस पार्टी को मिलेगा जो ये आरोप लगा रही है उसके आरोप में फिर लोगों को दम नजर आने लगेगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी है, चाहती है कि ऐसी स्थिति बने क्या भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि ये चेंज विथ कंटिन्यूटी है ये चेंज विथ कंटिन्यूटी चुनाव के समय बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि चेंज करने का कारण क्या था चेंज करने का कारण था एंटी इनकम्बेंसी और एंटी इंकम्बेंसी को अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसका नुकसान ही हो सकता है फायदा तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता तो कुल मिलाकर हरियाणा से अभी जो संदेश आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है क्या अगले कुछ दिनों में बदलाव का संकेत मिलेगा ये देखने की बात है तो आज के अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए अनुमति दीजिए आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए नमस्कार